वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड गोरक्षर मंदिर गोरक्षर पीठ योगी आदित्यनाथ इज हेड प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स दिस टेम्पल डिसाइड्स दैट हु विल बी द एमएलए फ्रॉम दिस सीट वी डोंट सी अ ह्यूज चैलेंज फॉर योगी आदित्यनाथ फ्रॉम दिस सीट बट ऑन द अदर 8 सीट्स ऑफ गोरखपुर योगी आदित्यनाथ टू हैज टू वर्क रियली हार्ड टू विन बिकॉज समाजवादी पार्टी इज गिविंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू योगी क्या लग रहा है क्या मुद्दे हैं गोरखपुर में मुद्दा ये है जो रोजगार है जैसे इस देश का जो सबसे बड़ा रोजगार है वो रेलवे है ठीक इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया फिर कोयला है कोयले का खदान बेच दी इन्होंने माननीय हमारे मोदी जी ने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाले आप लोग को जहाज पे उड़ाऊंगा जहाज भी बेचने का इन्होंने काम किया मैं उस पूरे जनता से बताना चाहता हूँ आज कुछ दिनों में ये पेट्रोल जो है कि 107 रुपये लीटर करके जो कि 80 रुपया था 107 रुपये लीटर करके 95 ला दिए तो जनता सोच रही है कि पेट्रोल का जो है दाम घट गया है लेकिन भैया घटा कहाँ है 15 रुपये अभी भी महंगा है अगर ये सरकार नौजवानों की अगर हित में काम करती तो मैं जानता है सरकार सबसे अच्छी सरकार है किसानों के लिए अगर काम करती अगर इस देश का सबसे अगर मूलभूत आधार है अगर सबसे जो हम सबको आगे बढ़ाने का जो सबसे बड़ा जो आधार है किसान है नौजवान है तो ये सरकार किसान और नौजवानों के एकदम दमनात्मक तरीके से वंचित करने का दबाने का काम कर रहे हैं क्या करते हैं आप पढ़ाई करें मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट हूँ इस समय भी फार्मा करता हूँ फार्मा कर रहे हैं जी और लोगों से बात करते हैं यहाँ कुछ वरिष्ठ लोग भी खड़े हुए हैं सर ये दोनों लड़के तो नाराज लग रहे हैं एक यूनिवर्सिटी दोनों यहीं पढ़ते हैं यहीं के छात्र हैं कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ रोजगार नहीं है युवा नौकरी मारते हैं तो लाठी मिलता है सबसे पहले किसान की बात कर लेता हूँ मैं चूंकि किसान हूँ किसान का मतलब ये होता है कि खाद के लिए हम लोग दर दर भटका करते थे खाद के तो अभी भी झांसी में एक मर भी गया लाइन में लगे लगे किसान खाद की तो बड़ी मारामारी हो गई है मैं यही संत कबीर नगर बस्ती और गोरखपुर जितना मंडल में जाता हूँ लगभग मैं जान रहा हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ खाद की मारामारी मैं अपने मंडल की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं झांसी तो नहीं गया हूँ लेकिन अपने यहाँ मेरे सोसाइटी पे छोटी सी सोसाइटी पर भी लगभग 5-5 ट्रक खाद परमानेंट रही है खाद की कोई समस्या नहीं रही बीज की कोई समस्या नहीं रही क्या करते हैं शिवकुमार बिजनेस करते हैं सर बिजनेस में सब ठीक चल रहा है आमदनी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है लॉकडाउन का कोई असर नहीं कोई असर नहीं किस मतलब भारतीय जनता पार्टी से बहुत संतुष्ट है बहुत संतुष्ट है बाबा जी से बहुत संतुष्ट है बहुत संतुष्ट है कुछ बताओ और क्या कुछ बताओ हमारे भाई साहब बेरोजगारी की बात कर रहे थे आप केवल गोरखपुर में देख लीजिए यम्स फर्टिलाइजर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आज तक यहाँ रिसर्च सेंटर नहीं था यहाँ के डॉक्टर जो पढ़ाई करते थे वो बाहर के रिसर्च सेंटरों में जाते थे आज रिसर्च सेंटर आपके गोरखपुर में बन गया है एम्स हो गई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो गई यूनिवर्सिटी हो गई तो रोजगार मिला और आज भी जो मिला है आप संतुष्ट हैं ये लड़के तो बड़े नाराज हैं कह रहे हैं रोजगार रोजगार में 8000 रुपए जो कर्मचारी हैं जो कपड़े की दुकान पे सिंगार की दुकान पे 8000 रुपए व्यापार इतना चौपट हो गया है उस दुकान से जो है जो दुकानदार है उसको निकाल रहे हैं कहाँ पे रोजगार है आप एक भी रोजगार बता दें और जो कहीं भी रोजगार बता दें आप अभी GST जो है 5% है चुनाव के उसमें 12% आ गया था और जो है चुनाव के खातिर वो रिलेट कर दिए ये सब सीनियर तो संतुष्ट हैं युवा नाराज लग रहे हैं आपका क्या नाम युवा नाराज नहीं होंगे मेरा नाम सर विशाल है पूरा नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप जज करेंगे मैं किसको वोट करूंगा मैं बोल लूंगा उसके बाद नहीं बताओ कोई बात 2017 में योगी जी को वोट किया था ठीक है सर लेकिन इस बार नहीं करूंगा उसका रीजन है 2017 में अखिलेश यादव सरकार में एक SI की वैकेंसी आई थी जिसको अभी 15-20 दिन पहले क्लियर किया है और इनके शासनकाल में अभी एक SI का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट तक नहीं दिए हैं और इसके बाद पता नहीं किसकी सरकार होगी क्या होगा क्या नहीं होगा हम जैसे बेरोजगारों के साथ क्या होगा और ये लोग बात करते हैं कि सरकार से क्यों नौकरी मांग रहे किससे मांगे हम लोग नौकरी ये नहीं ना मांग रहे कि हमको भीख में दे दो अरे वैकेंसी जो निकाल रहे हो उसको समय से क्लियर तो कराओ तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर में युवाओं के लिए कुछ रोजगार हुआ है क्या रोजगार? जैसे पूरे यूपी में वैसे गोरखपुर में भी है कोई चेंजिंग नहीं है